This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और विरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विरोनु अनुवाद दावत 1/24 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमारकुलम की द्वारा निर्देशित और दिनेश प्लस की द्वारा लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलगाड़ी और ग्रीश नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते हैं। अप्रैल 2022 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, तिरुवनंतपुरम, एराटू पेटा और थोटू पूजा में हुई। छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। साउंडिक में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दरार चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड इसको रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आदि कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिवासी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए 34 नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सोस्तर्जा थे।
जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरंजीवी सर्जा और ध्रुव सर्जा कन्नड़ अभिनेता। भरत सर्जा ने 22 फोर में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान आंजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता है, नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैन्य 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाउ 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राजीव पुरस्कार जीता, बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकबेल लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 6/8 कार्मी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्शक के अंत में सिंगार टाई और 99/6 की और थाइन की मनी कोड़ी 99/8 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवन 99 में शंकर। इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को चित्रित किया और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहाँ उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय साउंडिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गांव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन दृश्यों की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से वेक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो
उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली एक कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम ग्रांटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसानुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की द्वारा निर्देशित और दिनेश प्लस की द्वारा लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलगाड़ी और ग्रीष्म नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत, जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते हैं। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, तिरुवनंतपुरम, एराटू पेटा और थोटू पूजा में हुई। छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामनेक में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दरअर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आदि कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिवासी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए सौत्रीस नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10 जून 2024 को
चेन्नई की गुरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से सारी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता। भरत सरजा ने 22/4 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता नहीं चाहते थे कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर की विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म से महारा मारी सैनियम 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाव 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वर्णन सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकबेल लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 6/8वें कानी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्शक के अंत में सिंगार टाई और 99/6 की और थाइन की मनी कोड़ी 99/8 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर। इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को चित्रित किया और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामाजिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गांव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और
सटन डुरसियो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशकों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी। अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम ग्रांटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनकी बड़े प्रशंसा अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की द्वारा निर्देशित और दिनेश प्लस की द्वारा लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन भिलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते हैं। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोटू पूजा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामनेक में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दरअर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन एसवी ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में
कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिवासी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए 34 नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री यौंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरंजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता। भरत सरजा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म से महारा मारी सैन्य 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाउ 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फीचर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरन सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राजीव पुरस्कार जीता। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकबेल लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 6/8वें कानी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्शक के अंत में सिंगाटाई और 99/6 की और थाइन की मनी कोड़ी 99/8 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर। इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को चिंतित किया और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहाँ उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है।
विधवा के प्यार में पड़ जाते हैं और लोकप्रिय सामाजिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की निरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अगली निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गांव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियों की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से वेक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली एक कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी। अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजुमराइट 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम ग्रांटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार पुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामनेक में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दरअर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन एसवी ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन
उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है, अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की, जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिवासी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए 34 नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री यंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरंजीवी सर्जा और ध्रुव सर्जा कन्नड़ अभिनेता। भरत सर्जा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता, नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक पिक्चर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाव 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राजीव पुरस्कार जीता, बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंक में लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रोधिपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 6/8वें कार्मी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेनी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दशक के अंत में सिंगार टाई और 1996 की और थाइन की मनी कोड़ी 1998 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 1999 में शंकर, इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को चित्रित किया और वानावेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में इसके बाद उन्होंने
बसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म धीरम 20 में अभिनय किया, जहाँ उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामरिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा, किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नीरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अगली निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली एक कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी। अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजुमराइट 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 22 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 22 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन एसवी ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने
दूसरी साउथ रेस फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास दर्जा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है, अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की, जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिवासी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए साउथ रेस नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई के गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता। भरत सरजा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रेशर अभिनेता है, नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हारा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाव 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म शिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राजीव पुरस्कार जीता, बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकबेल लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली, जबकि यह फिल्म 6/8वें कार्मी पुरस्कार और 3 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दशक के अंत में सिंगार टाई और 1996 की और थाइन की मनी कोड़ी 1998 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म
मुदलवन 99 में शंकर। इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में, ग्रेस रेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रस्तावित पत्रों को चिथित किया, और वाना विल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक विधुर और पिछली बार फोटोग्राफी की भूमिका निभाई, जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामरिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है, और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अगली निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गांव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना, अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे, कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली एक कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी, और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एज उमराइट 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो, और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 22 को शुरू हुई, लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 22 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीती श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दर चीज गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड इसको रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरी कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन एसवी ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है।
और अर्जुन सर्जा के लिए ही समेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सर्जा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है, अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की, जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिभाषी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई के गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सर्जा और ध्रुव सर्जा कन्नड़ अभिनेता। भरत सर्जा ने 2024 में वीरा पुलिकेशी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता, नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक पिक्चर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म से महारा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता नर्मदा AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाव 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म शिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेंटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राजीव पुरस्कार जीता, बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकबेल लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रूरु धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए।
अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली, जबकि यह फिल्म 6-8 अकादमी पुरस्कार और 23 विदेशी भाषा फिल्म रेनी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दशक के अंत में सिंगार टाई और 1996 की अर्थाइन की मनी कोड़ी 1998 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवन 99 में शंकर, इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए, प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में, ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती किया, और वानावेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामरिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गांव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन दृश्यो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना, अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली एक कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी, और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एज उमराइट 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलगाड़ी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 22 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 22 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोटू पूजा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दर रची स्टार गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से
दो स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीत कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षदीन एसवी ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सर्जक के लिए इस रमेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सर्जा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिभाषी फिल्म प्रेमा बरहार सेली विडवा 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सर्जा और ध्रुव सर्जा कन्नड़ अभिनेता भरत सर्जा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रेशर अभिनेता नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक पिक्चर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 की दशक के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाव 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म शिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंक में लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया।
कमल हासन एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक ही प्रशंसा मिली, जबकि यह फिल्म 68वें कार्मी पुरस्कार और 23 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्शक के अंत में सिंगार टाई और 99 की और थाइन की मनी कोड़ी 99 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर, इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस रेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती क्या और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामरिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन दृश्यो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना, अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सेंस के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 22 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 22 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दर रची गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड इसको रोनी राफेल का था।
फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन एसवी ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सर्जक के लिए इस रमेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सर्जा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की, जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिभाषी फिल्म प्रेमा बरहार सेली विडवा 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई के गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सर्जा और ध्रुव सर्जा कन्नड़ अभिनेता भरत सर्जा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता, नहीं चाहते थे कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाउ 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म शिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने
उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जबकि अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राजीव पुरस्कार जीता। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकवे लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली, जबकि यह फिल्म 68वें कार्मी पुरस्कार 33 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्श के अंत में सिंगार टाई और 99.6 की और थाइन की मनी कोड़ी 99.8 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर, इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती किया और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ग्रीडम 20 में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामाजिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा, किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिकाओं का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन दृश्यों की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी। अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलगाड़ी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 22 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई।
29 जुलाई 22 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी त्रिवंतपुरम एराटू पेटा और थोटू पूजा में हुई। फिर छियागो रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। निष्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। साउंडिंग में रथेश वेगा और सान जॉर्ज ग्रेस की दरअर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सर्जक के लिए इस रमेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए 37 अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे 37 फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास दर्जा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की, जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिभाषी फिल्म प्रेमा बरहार सेली विडवा 2018 के लिए 37 नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई के गुरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सहसर्जा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता। भरत सरजा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रेशर अभिनेता, नहीं चाहते थे कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक पिक्चर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता नर्मदा AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 के मध्य में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाउ
1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता, बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंगबी लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली, जबकि यह फिल्म 68वें अकादमी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्श के अंत में श्रृंगार टाई और 99.6 की और थाइन की मनी कोड़ी 99.8 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर, इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती क्या और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावंश सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामाजिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिका का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना, अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशनों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसा अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सेंस के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक व्यवसायी की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और
एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई, लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्मागान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडुपुझा में हुई। फिर छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दर रची गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस रमेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है, अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की, जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें दिभाषी फिल्म प्रेमा बरहार सेली विडवा 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सरजा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता भरत सरजा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें। मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद, जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेता, नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैन्य 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को
स्थापित करना शुरू कर दिया, तो उन्हें अभिनेता नर्मदा AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1988 के मध्यम में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बाउ 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंक में लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली, जबकि यह फिल्म 68वें अकादमी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेनी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्श के अंत में सिंगार टाई और 996 की और थाइन की मनी कोड़ी 998 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर, इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस सेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती क्या और वाना विल 20 में एक ऊर्जावंश सेवा अधिकारी के रूप में। इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय साउंडिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिका का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन ओगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना, अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशकों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजुमराइट 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जु वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1924 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलगाड़ी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है।
इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तौर एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक व्यवसायी की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी त्रिवंतपुरम एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की तरह रची गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए 37 अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे 37 फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कला शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें द्विभाषी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए 37 नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गुरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सरजा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरंजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता भरत सरजा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रेशर अभिनेता नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से
सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता नर्मदा AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 के मध्यम में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बा 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंक में लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 68वें एकेडमी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्श के अंत में सिंगार टाई और 99 की और थाइन की मनी कोड़ी 99 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस रेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती क्या और वाना विल 20 में एक ऊर्जावंश वे सेवा अधिकारी के रूप में इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामरिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिका का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियो की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशकों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद नर्मदा अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जु वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनू अनुवाद दावत 1224 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नड़
थमार कुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सुना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। अप्रैल 2021 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3 मई 2022 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29 जुलाई 2022 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। छियागर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। सामने में रथेश वेगा और सान जर्ज ग्रेस की दर रची गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5 में से 1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समेश को की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए 37 अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे 37 फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50 अगस्त 1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कलश शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें द्विभाषी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए 37 नवोदित अभिनेत्री कन्नड़ के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 10 जून 2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सोस्त सरजा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता। भरत सरजा ने 2024 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक ईसाई भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट ऊंची, 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी है। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रेशर अभिनेता नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे। एक आर्यजनक
कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हारा मारी सैन्य 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 के मध्यम में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बा 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1996 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढोंगता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंक में लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 68वें अकादमी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्श के अंत में सिंगार टाई और 99 की और थाइन की मनी कोड़ी 99 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवन 99 में शंकर इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस रेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीतित किया और वाना विल 20 में एक ऊर्जावान सेवा अधिकारी के रूप में इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय साउंडिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की नरम स्वभाव वाली भूमिका का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियों की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशकों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजुमराइट 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद निर्माता अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जु वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो
इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विरोनु अनुवाद दावत 1/22/4 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमालकुलम की तरह निर्देशित और दिनेश प्लस की तरह लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सेंस के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्य में मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते। 22/1 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3/22 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29/22 को फिल्मागान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20/22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। साउंड में रथेश वेगा और सान जॉर्ज ग्रेस की दरअर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23/2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में इसे 29/2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसे सिंपली साउथ डॉम कॉट के जरिए OTT पर भी रिलीज किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस की अभिषेक ब्लाजी ने फिल्म को 5/2 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, कुछ मनोरंजन दृश्य हुए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और तौरीफ कट अवे की आधी कथा थका देने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया की हर्षिन SV ने फिल्म के 5/1.5 स्टार दी और लिखा कि अर्जुन की शैली को छोड़कर यह बनावी थ्रिलर गड़बड़ है और अर्जुन सरजा के लिए इस समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। अर्जुन ने कन्नड़ फिल्म श्री मंजुनाथ 21 और तेलुगु फिल्म हनुमान जंकर्सन 24 में विशेष भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए 37 अभिनेता का कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बहुभाषी फिल्म अभिमन्यु 2014 ने दूसरे 37 फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। अर्जुन का जन्म 50/1962 को कन्नड़ अभिनेता शक्ति प्रसाद और कलश शिक्षिका लक्ष्मी के घर श्रीनिवास सरजा के रूप में हुआ था। अर्जुन ने हमेशा एक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में सोचा और सपना देखा था लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में ले गई। ब्रूस ली की 1973 की फिल्म एंटर द ड्रैगन से प्रीत होकर अर्जुन ने 60 साल की उम्र में कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब उनके पास ब्लैक बेल्ट है अर्जुन ने 1980 में प्रो अभिनेत्री निवेदिता अर्जुन से शादी की जो 1986 की कन्नड़ फिल्म रस सप्तमी में आशा रानी के नाम से दिखाई दी थी। कन्नड़ अभिनेता राजेश उनके ससुर हैं। उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और अंजना। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 23 में पटूटी ENI से की। उन्हें द्विभाषी फिल्म प्रेमा बरहा सेली विडवा 2018 के लिए 37 नवोदित अभिनेत्री कन्नड के लिए SIIMA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 10/2024 को चेन्नई की गोरुम्बकम में अर्जुन के श्री योंग अजनियार मंदिर में एक अतरंग समारोह में उमापति रमैया से शादी की। अर्जुन की एक बड़े भाई के सरजा थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया था। उनके भतीजे चिरजीवी सरजा और ध्रुव सरजा कन्नड़ अभिनेता भरत सरजा ने 22/4 में वीरा पुलिकेसी से अपनी ही अभिनय की शुरुआत की। अर्जुन हनुमान के एक उत्साही भक्त है। वह चेन्नई के बाहरी इलाके में हनुमान मंदिर का निर्माण करें मंदिर के लिए विशेष रूप से भगवान अजनेय की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति गढ़ी गई थी। मूर्ति बैठी हुई मुर्दा में है। इसका वजन लगभग 140 टन है। एक पत्थर की मूर्ति 3.5 फीट
ऊंची 12 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी है। अर्जुन के पिता शक्ति प्रसाद जो कन्नड़ फिल्मों की एक प्रेशर अभिनेता नहीं चाहती थी कि उनका अभिनेता बने और उन्होंने उन फिल्मों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जो अर्जुन को किशोरावस्था में मिलने लगे थे एक आर्यजनक कदम में फिल्म निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू शक्ति प्रसाद की स्पष्ट अनुमानित के बिना अर्जुन को अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक पिक्चर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और परिणामस्वरूप उनके पिता अर्जुन की करियर के विकल्प से सहमत हो गए। फिल्म सिम्हाड़ा मारी सैनिया 1981 में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में दिखाया गया और फिल्म के निर्देशक ने उन्हें उनकी मूल नाम अशोक बाबू की जगह अर्जुन का मंच नाम दिया। जब उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्हें अभिनेता निर्माता AVM राजन और निर्देशन राम नारायण से एक तमिल फिल्म नांदी 1984 करने का प्रस्ताव मिला। एक अभिनेता के रूप में उनका करियर 1980 के मध्यम में शुरू हुआ और जिन फिल्मों को करने का उन्होंने वादा किया था उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कभी कभी एक दिन में 7 शिफ्ट तक काम किया। तेलुगु में उन्होंने नागा देवता कम्बा 1992 में उन्होंने बाद में अपनी ही फिक्चर फिल्म सिवागन का निर्देशन करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद शंकर ने उन्हें बहुत अनुनय के बाद अपनी पहली फिल्म जैटलमैन 1993 में मुख्य भूमिका में लिया। अर्जुन ने शुरुआत में शंकर का वरण सुने बिना फिल्म को अस्वीकार कर दिया था लेकिन निर्देशन की ढूंढता ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली और यह तमिल फिल्म उद्योग में एक ट्रेंड सेटर बन गई। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जबकि अर्जुन ने 37 अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत में बदलाव जारी रहा और अर्जुन ने एक्शन फिल्मों से एक बैंकबेल लीड स्टार के रूप में जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। कमल हासन ने एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रू धीपूर्ण 1995 में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया और अभिनेता ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और बिना कहानी सुने ही फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। अर्जुन को अपनी ही भूमिका के लिए सकारात्मक की प्रशंसा मिली जबकि यह फिल्म 6/8 कार्मी पुरस्कार 37 विदेशी भाषा फिल्म रेने के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट बन गई। 99 के दर्श के अंत में सिंगार टाई और 99/6 की और थाइन की मनी कोरी 99/8 सहित कई एक्शन और फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीतिक ड्रामा फिल्म मुदलवान 99 में शंकर इसके बाद अर्जुन ने कुछ समय के लिए नरम भूमिकाओं में प्रयोग किए। प्रभु स्लोमन की कोनाडू कन बाथेलम 99 में ग्रेस रेंडर्स के साथ वैसाई में समीक्षकों की तरफ प्रशंसित पत्रों को जीती क्या और वाना वेल 20 में एक ऊर्जावंश वे सेवा अधिकारी के रूप में इसके बाद उन्होंने वसंत की रोमांटिक ड्रामा फिल्म रीदम 20 में अभिनय किया जहां उन्होंने एक विधुर और पेशेवर फोटोग्राफी की भूमिका निभाई जो अंत एक विधवा की प्यार में पड़ जाता है और लोकप्रिय सामरिक और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रीदम एक व्यवसायी की सफलता भी बन गई। एक आलोचक ने कहा कि अर्जुन हमेशा की तरह प्लेस है और कहा किसने यह विचार किया होगा कि एक्शन किंग इस तरह की निरम स्वभाव वाली भूमिका का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अपने अगले निर्देशन उगम प्रेम कहानी बेगम 22 एक्शन किंग की छवि ने उन्हें शहर और गाँव के दर्शकों ने बीच लोकप्रिय बना दिया जिन्होंने अभिनेता की लड़ाई और सटन डुरसियों की सराहना की। इस प्रकार उन्होंने सक्रिय रूप से एक्शन फिल्मों में विशेष किया हासिल करने का विकल्प चुना। अक्सर सुंदर से विक्टेंस और सिल्वर जैसे कि निर्देशकों के साथ सहयोग किया जो उनमें विशेष थे कि दर्श के मध्य में वे एक ही आधार वाली कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दी और अक्सर एक पुलिस अधिकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने एजो मराई 20 के दर्श में कोई भी महत्वपूर्ण हिट फिल्म हासिल नहीं करने के बावजूद निर्माता अक्सर अर्जुन को एक न्यूनतम गारंटी अभिनेता के रूप में मानते थे और महसूस करते थे कि उनके बड़े प्रशंसक अनुसारण उनकी तमिल फिल्मों की तेलुगु डब संस्कार
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन वर्गीस की फैन हो और वीरोनू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। वीरोनु अनुवाद दावत 1/24 भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कन्नन थमारकुलम की द्वारा निर्देशित और दिनेश प्लस की द्वारा लिखी थी। फिल्म में अर्जुन सरजा और निकी गलरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मुकेश सोना नायर, अर्जुन वर्गीस, बैजू संतोष, हरीश पुराडी, धर्मर्जन बेलकाडी और ग्रीस नेयर ने सहायक भूमिका निभाई है। इसे तमिल में विरोधी सीन्स के तहत एक साथ शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत जॉन क्लाथिल नामक एक वैसाही की रहस्यमय मौत से होती है। जान की मौत की जांच के दौरान उसकी पत्नी एलिजाबेथ की भी कार दुर्घटना में दुखद मौत हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में एलिजाबेथ हिम्मत को देखती है और उसे बाला नामक एक वैद्य से मिलने का आग्रह करती है। इसके बाद घटनाओं का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हिम्मत जान और एलिजाबेथ की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़ते हैं। 2/22 में यह बताया गया कि अर्जुन सरजा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 3/22 को शुरू हुई लेकिन 19 महामारी के कारण रोक दी गई। 29/22 को फिल्म अगान फिर से शुरू हुआ और दूसरा शेड्यूल 20/22 को शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग पीरा मांडी, त्रिवंतपुरम, एराटू पेटा और थोडू पूजा में हुई। छियाकर रविचंद्रन और प्रदीप नायर ने किया था। इस्पादन बीटी श्रीजीत ने संभाला था। साउंड में रथेश वेगा और सान जॉर्ज ग्रेस की दरअर चीज था गीत सामने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का था। फिल्म को मूल रूप से 23 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में